लौट के बुद्धू फिर से ना जारा को आ चुके हुए। आदित्य ने फाइनली जाके एक चीज खरीद ली हुई है और बैठो मत, उठा नहीं जाएगा। नहीं मैं हो गया, मेरा पैर नहीं उठ सकता। आज ही मैं वॉकआउट पे चल जाऊंगा। हेलो OMG फैमिली, वेलकम टू अदर व्लॉग फ्रॉम OMG व्लॉग्स। तो गाइस आज हम उठ गए हैं बहुत ही जल्दी सुबह सुबह, पता नहीं कैसे उठ गए हैं। सुबह के बज रहे हैं, अगर जल्दी ना उठते आदि, मैं सच्ची बता रही हूँ, हमारे आधी से ज्यादा चीजें रह जानी थी, या वर्कआउट रह जाना था या कोई ना कोई काम रह जाना था। वही मैं बोलने लगा हूँ, आज हम उठ गए हैं 7:45 सुबह सुबह, और उसका मेन रीजन यही था कि काम इतने ज्यादा हो गए हैं, सारी चीजें इतनी ज्यादा हो गई हैं, हमने डिसाइड किया सुबह सुबह उठेंगे, वर्कआउट करेंगे और बाकी काम निबेड़ेंगे जल्दी जल्दी। और अभी मुक्ति ने बनाई है सुबह सुबह ओम धातु की आयुर्वेदिक ब्लू टी, जो कि अगर आपने भी खरीदनी है तो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ मैं लिंक, जल्दी से जाए और ओम धातु के और भी प्रोडक्ट्स आप चेकआउट कर सकते हैं। यार वर्कआउट करने के बाद ना सबसे मुश्किल काम है सारे सामान को री रैक करके रखना। अदित्य फटाफट रुक जा, वो जितना भी हमने डंबल डुम्बेल बारबेल वगैरह लगाई है सब सेट कर दे। मेरे को री रैक कर दे पहले। मेरे को री रैक कर दूं पहले। मेरे को उठा के सोफे पे रख दे। जब तूने मुझे एप्स कराए ना आज, मैं एप्स कभी नहीं करता, मेरे को इतना आलसी लगता है ना एप्स करना। ये बंदा इतना टलता है ना एप्स करने से, आज जबरदस्ती कराया, मैं कहा नहीं कर। मैंने कम से कम तुम मान ले 2 साल बाद एप्स का वर्कआउट किया होगा, साल डेढ़ साल बाद। चल अब हर हफ्ते मेरी ड्यूटी है। हर हफ्ते क्या रेगुलर करेंगे, हफ्ते में 2-3 बार। अभी रीरैक करते हैं वेट, वो भी है अपने आप में वर्कआउट ही है वैसे। सही बात है, स्पेशली जब आप घर पे होते तो कोई ऑप्शन ही नहीं आपके पास। गुड मॉर्निंग ओंकार, कैसे हो? सिर्रा तो भाई साहब वर्कआउट करने के बाद रेडी हो गए हैं। अब मेरे को ड्यूटी दी है मुक्ति ने, पर्ची पकड़ा दी है कि जाके सामान लेके आओ मार्केट से कल के दिन में। ये व्लॉग जब आप देख रहे हो कल संडे को, मैं सच्ची कह रहा हूँ, फूडी भी की बेस्ट वीडियो, सच में बेस्ट। इतना ये बंदा इतना एक्साइटेड है ना वीडियो के लिए, फूडी भी की तुमने कल आज वाले ब्लॉग में बोला है, इतनी बार बोला है ना, क्योंकि भाई सच में बेस्ट है, एंटरटेनमेंट का फुल डोज नहीं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। मतलब कई बार ये होता है ना वीडियो में अप्स एंड डाउन होते हैं, ये पार्ट इंटरेस्टिंग है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये वीडियो फुल ऑन इंटरेस्टिंग वीडियो है, एक बार देखना जाके, बहुत मेहनत लगी है। और ये बंदा जितना एक्साइटेड है फूडी की, पहली बार इतना एक्साइटेड है यार, मुझे पता क्या लग रहा है, सिर्फ मैं एक्साइटेड नहीं हूँ, हर कोई एक्साइटेड होएगा। कमेंट सेक्शन में लिख दो जो जो उस वीडियो के लिए एक्साइटेड है। 14,000 कमेंट आए, 14,000 डेयर्स आए हैं हमें, इसका मतलब लोग कितने एक्साइटेड है ये देखने की बात है। तो अभी निकलते हैं मार्केट के लिए, सामान लेते हैं और तुम भी रेडी हो? अच्छा रेडी हो तुम, चलो ये तो रेडी रहता है हमेशा। गाड़ी बहुत ही ज्यादा गंदी पड़ी है अंदर से, ये देखो पार्किंग वाली पर्चियां, मास्क, मतलब हर जगह आपको गंदी दिखेगा, मिट्टी पीछे भरा पड़ा है मैकडोनल्ड्स का शेक फ्राइज। कम से कम 2 हफ्ते हो गए मुझे सोचते को कि गाड़ी साफ करवानी है, बट बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पा रहा। तो फूडी वी की वीडियो के बिहाइंड द सीन्स, भाई साहब खा के थक गए थे इसलिए हमने सोचा कि अच्छा खा लेते हैं अब। ये क्या बात है। तो अभी हम पेट भर रहे हैं अपना, क्योंकि हम डेयर्स कर रहे हैं, हम फूड चैलेंजेस वगैरह नहीं कर रहे कि हमें खाने को ज्यादा मिलेगा, तो हम डेयर्स कर रहे हैं, लिमिटेड खा रहे थे, भूख लग रही थी, दोपहर का टाइम है, तो मुक्ति ने लस्सी ले ली और छोले चावल राजमा चावल बिल्कुल पंजाबी, बहुत ज्यादा स्वाद है मुक्ति। अच्छा? मेरे मुंह को लग गई है, ये ऐसे है जैसे शेर के मुंह को लहू लग जाता है ना, स्वाद है। अगर वैसे काफी हमारे व्यूअर्स है चंडीगढ़ से, सच्ची बोलो ये छोले भटूरे, ये राजमा चावल और ये छोले चावल ना 34 में एक जगह है नागपाल, वहाँ पे बड़े स्वाद मिलते हैं, एक बार ट्राई करना। खत्म करते हैं अपना पंजाबी लंच और उसके बाद फिर बाकी डेयर शुरू करते हैं अपने। मतलब इसको खाने का चाह तो है बट उसके बाद वो डेयर करने का डर भी है। तो अब हम कर रहे हैं मुक्ति को ड्रॉप, क्योंकि मुक्ति ने जाना नए दांत लगवाने, कैसे क्या करना है। पहली बात मेरे दांत हैं,
दूसरा मेरे को नए दांत लगवाने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, मेरे ये जो आगे के दांत है उस पे वो ब्लीच वगैरह चल रहा है। ये पता एक्चुअली क्या करती है, बचपन में ना काले मार्कर से आगे ऐसे भूतनी बन जाती थी। इसको भूतनी बनने का बचपन से ही शौक था, तो वो पक्के काले हो गए। अच्छी क्वालिटी का मार्कर आ गया था इसके हाथ में जिसका रंग ही नहीं उतरा, तो ये तब से ये फिर ये अकल में भी वैसी बन गई है और इसकी शक्ल वैसी हो गई है। तो अभी डॉक्टर के पास हर दिन जाती है कि इन दांतों का कुछ कर दो। डॉक्टर कह रहा है भूतनी का कोई इलाज नहीं होता, ये भूतनी बीमारी बड़ी गंदी है। तो अभी मुक्ति को हमने ड्रॉप करना है, फिर हमने जाना है मॉल शॉपिंग करने। मैं अभी जाने लगा हूँ फिर से नए वाले घर पे। अच्छा, और वहाँ पे थोड़ा सा काम है, उसके बाद तो मॉल लेके चलता हूँ। कोई नहीं, जैसे मर्जी कर लो, मैं बैठा हूँ तुम्हारी गाड़ी में, तुम मेरे को बस मॉल पहुँचा देना। निकलते हैं स्टूडियो के लिए, और जो मैंने ना डेयर किया है ना एंड में, उसकी वजह से एक तो मुझे उल्टी आ रही है और ऊपर से मुझे नींद आ रही है। कल आ रही है वीडियो आ रही है कल, मतलब तैयार रहो इस बारी वीडियो को ना ट्रेंडिंग टॉप 10 में लेके आना, आपकी वजह से हो सकता है खिलारे पा देने। तो भाई जिम्मेदारी आ गई आप पे भी, हमारे पे जिम्मेदारी थी अच्छी वीडियो बनाने की, आप भी निभा दो अपनी जिम्मेदारी, वीडियो को लाइक करने की, सब्सक्राइब करने की, जो जो जिम्मेदारियां आपकी, जो जो रीति रिवाज है पूरे कर दिया करो टाइम से। कैमरा कैमरा मुझे दे दो, कैमरा दादी ले गया था अभी। पुरानी मूवी देखी जा रही है यहाँ पे अमिताभ बच्चन, पूरा फैमिली यूनियन हो गया यहाँ। ये तो बोलो कि प्रॉपर टीवी का यूटिलाइजेशन घर वाले कर रहे हैं। वैसे कौन सी मूवी देख रहे हैं? खुददार क्या बात है। अपने साथ पूरा दिन जैकेट रखने का एक फायदा जरूर होता है, क्योंकि शाम को जाती बहुत ज्यादा ठंड, मतलब ना वैसे मतलब कि मौसम का दिन मौसम है नहीं है, दोपहर को गर्मियां रात को सर्दियां, डबल मौसम है। रात को सच्ची में बहुत ठंड लगने लग जाती है। देख अब सारे काम हो चुके हैं, मेन काम शॉपिंग तेरी, शॉपिंग अब चलते हैं। मैं तो कसम से यहाँ ना सोने वाला था, ओंकार ने मुझे बोला कि भाई उठ जा चलते हैं। A few moments later. देखो शॉपिंग करने के लिए मॉल जाना जरूरी है, और मॉल पहुंचने के लिए मॉल तक पहुंचना जरूरी है। मतलब इतनी ज्यादा भीड़ है ना, कितना टाइम हो गया हमें निकले को स्टूडियो से। इतनी बार बोल रहा हूँ तेरी जिंदगी में ना शॉपिंग लिखी नहीं है, सही मतलब बात है। ऐसा लग रहा है सारी की सारी दुनिया ना आज ही रोड पे उतर चुकी हुई है। बहुत बुरा हाल है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। हम 40-45 मिनट से घर से निकले हुए हैं, 6:30 का टाइम हो रहा है, और मुझे नहीं लगता कि हमें 2 से 2.5 घंटे भी मिलेंगे कुछ खरीदने के लिए। 2 घंटे मिल जाए बहुत है। बात जो हमने सबसे बड़ी गलती करी है ना, वैसे गलती तो क्या करी है, मजबूरी की बात है कि सैटरडे नाइट को हम आए मॉल में, और ये रियलाइज भी तब किया जब पार्किंग में घुसने लगे कि इतनी ज्यादा भीड़ क्यों है। और एक चीज और, सारे लोग अब जितने भी लोग ये ब्लॉग देख रहे हैं अपने मास्क वगैरह सैनिटाइजर वगैरह साथ में लेके चले किसी पब्लिक प्लेस पे जा रहे हो, क्योंकि कोविड का जैसे नया स्ट्रेन की भी खबर आई है, काफी जगह लॉकडाउन भी लगा है, फिर से वो वाला सिनेरियो आने वाला है जब दो मास्क लग जाएंगे। हाँ, तो आई होप ना आए, ये छोटा सा फेज हो, बट अभी बात ये है कि अपने सैनिटाइजर लेके चले, अपने आसपास वाले लोगों का ध्यान रखें, अपना मास्क हमेशा पहन के रखें। लोगों ने कमेंट सेक्शन में सबसे पहले ये लिखा खुद ने तो पहना नहीं है, तो ये लगा रहा हूँ ना अभी तो खाली है ना, जहाँ भीड़ वाली जगह है वहाँ तो पक्का लगाए मास्क। और एक और चीज, मुझे ना सच में ना टेंशन होनी शुरू हो चुकी हुई है कि मतलब शादी पास आ रही है, और सबसे बड़ी टेंशन यही है, बढ़ने लगी है। तो भाई साहब पहली बारी ना मतलब रात को इस वाली साइड से एंटर कर रहे हैं मॉल, और सच बोलूं मतलब वो फॉरेन कंट्री वाली फील आ रही है। सही बात है, लग नहीं रहा कि अब हाँ अच्छा लग रहा है। ये मॉल में ना इन्होंने काफी अब चेंजेस कर दिए, सेटिंग वेटिंग का भी बना दिया हुआ, ये लाइटें लुटे लगा दी हुई है। मुझे लग रहा है आंटी की कमर मटक गई है, इसको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। मेन सेक्शन में जाना है, ऊपर से जाओ, ऊपर से जाएं। जारा में तो इतनी ज्यादा भीड़ है आज कि गार्ड ने वो रस्सी लगा दी हुई है, वो कहता है ऊपर से जाओ अगर मेन सेक्शन में जाना, यहाँ से एंट्री नहीं है। के अंदर ना हाल ऐसे हुआ हुआ जैसे सरोजनी की मार्केट में आया हुआ है, कपड़े ऐसे ठान के नीचे देखो गिरे हुए हैं, वो जूते देखो लोगों को पूरा ही हाँ। खिला रहे खिला रहे बड़ा ब्रांड नहीं, सरोजनी का थोड़ा प्रीमियम वर्जन है, ये भी नीचे गिरा हुआ था। तारा से तो हम आ गए बाहर, और इतनी ज्यादा भीड़ में मैं शॉपिंग नहीं कर सकता, मैं हूँ क्लोस्ट्रोफोबिक,
क्या क्लोस्ट्रो, मेरे को भीड़ अच्छी नहीं लगती, कोलेस्ट्रॉल हो गया मेरे को भी, आंचल सही बोलती है वाला वर्ड जो भी ये वर्ड है, पर मेरे को भीड़ पसंद नहीं है, मैं एलर्जी है मुझे भीड़ से, थोड़े महंगे पे चल लो बट खाली होना चाहिए। ओंकार ने स्पेशल खिड़की में से स्वेटर निकलवाया मेरे लिए भाई, मतलब इसमें ना दो तीन पीस पड़े हैं, कहते हैं सारों के साइज चेक करो, आदित्य के लिए लेना है मीडियम 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 मीडियम। ओंकार और मैं ना सबसे थक गए हुए हैं बिल्कुल ही, मतलब एक तो पूरा दिन वीडियो बनाई थके हारे, इधर आए कि कुछ मिल जाएगा और अभी तक कुछ नहीं मिला, डेढ़ घंटा हो गया हमें और आधे पौने घंटे में शोरूम बंद होने वाले सारे। आदि भाई देख चक्कर पता क्या है, 10,000 स्टेप्स का टारगेट लेके चलता हूँ, तेरे चक्कर पे 25,000 स्टेप्स हो चुके हुए, कुछ जीतने तक जीजे को थोड़ा खातिरदारी करो, कुछ खिला पिला दो, यहाँ चलते हैं एक बार इंडियन वाले पे, कोई कुर्ता पजामा पसंद आता नहीं तो सारे इंडियन इटालियन मैक्सिकन फ्रेंच हर दुकान पे ले गया हुआ है, ड्राम में है इसके लेना लोटा कुछ नहीं है, देख लेते हैं अगर कुछ अच्छा लगे नहीं तो फिर मैं तुम्हें खिलाता हूं। अच्छा तो सब कुछ लग रहा है, रेट ज्यादा हो जाता है, पर रेट ज्यादा हो जाता है, बजट से बाहर जा रहा है मामला, पापा हो ना साथ में, मैं तो बेझिझक ले लूंगा, वो पापा खर्चा करते हैं, ऐसे होती है ना वो कहीं नहीं होती। पॉट के बुद्धू फिर से ना जारा को आ चुके हुए हैं, आदित्य ने फाइनली जाके एक चीज खरीद ली हुई है और वो भी मुझे ये लग रहा है कि इस शर्म से खरीद लिया ताकि कोई ये ना बोले कि कुछ खरीदा नहीं है ना आदि, यही रीजन है कुछ, मैंने कहा कुछ तो लेके जाऊं घर वाले बोलेंगे इतना टाइम बर्बाद किया, एक चीज खरीद ली है। तो फाइनली ना मॉल से हम निकल आए हैं और डीजे को साले ने इतना तंग किया ही है, मेरा मन कर रहा है मैं ना यहीं पे बैठ जाऊं, पर सो जाऊं, नहीं नहीं सच में यार, मतलब बैठने के बाद टांगे टस्टस हो रही है, थकावट कितनी है, सही बात है, बैठो मत उठा नहीं जाएगा, नहीं मैं हो गया मेरा, मैं नहीं उठ सकता हूँ, सुबह यहाँ से मैं वॉक पे चल जाऊंगा, गुड नाइट बाय बाय टाटा, रात को ठंड लगेगी ना भागते फिरोगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप ना हो जाओगे बहुत ही ज्यादा हैरान कि हमने बाहर से कुछ नहीं खाया, क्योंकि मैंने बोला कि हमने कुछ नहीं खाना है, आज घर का खाना खाते हैं, हाँ कि ज्यादा ही अनहेल्दी हो जाता है, कोई नहीं अब थक गए हैं घर जाके तुम आराम करो, पर क्या मन करता है बाहर से खाने का, फिर बाद में रिग्रेट फीलिंग भी आती है, सही बात है, कहीं ना कहीं तो आती है, कहीं ना कहीं आती है, अब तो आती है। उछलता ही रही बस मम्मी, एक बस एक टी शर्ट मिली है, उसके उस साथ कोट ढूंढना अभी, भाई मम्मी ने बनाया है पुलाव, मैं खाना यहाँ बैठ के खाना चाहता हूँ, नहीं यहाँ बैठ, प्लीज बदल देना, नहीं तू जा प्लीज, मैं चाहती नहीं तुम मेरे साथ बैठे यार, मेरे को खाना अपने कमरे में बैठ के खा ले, वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा, जहाँ मर्जी खा, मैं सिर पे बैठ के क्यों खा रहा है, सिर पे क्या, यही खाता हूँ ये डाइनिंग टेबल पे खाता हूँ, डाइनिंग टेबल भरा हुआ है, तुझे क्या प्रॉब्लम मेरे से, मैं ये बस ये कह रहा हूँ नाटक 10 मिनट के लिए बदल दे, फिर अपना दोबारा कंटिन्यू कर लियो, मैं नहीं देख सकता ये सब ना, रोना धोना कहीं और बैठ जाए यार, यार मेरा मोमेंटम मत खराब कर, जहाँ मोमेंटम वर्कआउट कर रही है, हाँ बस मेरा वर्कआउट ही है, मैं सोने लग, मेरा फिर क्लोजिंग टाइम हो जाएगा मुझे 10 बजे सोने, दुकान है मुझे सोना यार, मुझे भी सोना है, मम्मी यार इसको यहाँ से भगा दो यार, फटाफट फास्ट फूड करके देख ले, हाँ तू पहले हाथ से जी, तू कहीं और बैठ के खाना खा ले यार, बड़ी बदतमीजी, तू मुझे पता तू बोलता रहेगा बीच बीच में, तू वही तो मैं कह रहा हूँ चेंज कर दे, इससे अच्छा थप्पड़ खाएगा दी मम्मी, यार पता है ये ना दुखी करा हुआ इसने मेरे को, खाना खा के थोड़ी शांति से कोई अच्छी वीडियो लगा दे कुछ देख लूंगा, वो लड़ी जा रहे हैं, उसने दूसरी पत्नी बना ली हुई है, उसने तीसरी पत्नी, वही तो मैंने कुछ लेना ही नहीं है ना, तभी तो कह रहा हूँ बहुत बदतमीज लड़की आ रही है, मैं ऐसे ही खाना खाना पड़ेगा। तो गाइस मुक्ति को तंग करने के बाद और डिनर करने के बाद मैं आ गया हूँ अपने कमरे में, और कसम से अपने कमरे में जो आने का सुकून है ना वो कहीं नहीं है, और ये जो ये वाला जो एंगल है ना जहाँ मैं भी जस्ट आया हूँ, लास्ट टाइम मैंने इसी एंगल पे व्लॉग एंड किया था और फोकस जो है उसका 2.8 पे था, तो पीछे सारा ब्लरी था, तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है कि आप टॉयलेट में बैठ के एंडिंग कर रहे हो वगैरह, तो ये अलमीरा है, ऊपर गिटार है, वो फ्लश नहीं, वो फ्लश वाला ब्रश नहीं है वो, तो मैंने कहा बता दूँ फिर क्लियर कर दूँ चीज़ें, तो इसी के साथ करता हूँ मैं ब्लॉग को खत्म, ब्लॉग अच्छा करा हो तो लाइक करते, कमेंट करते, शेयर करते अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब, और बहुत ही ज़्यादा थकान फील हो रही है, व्लॉग करूँ मैं सुबह उठ के एडिट, और अभी मैं सोता हूँ आराम करता हूँ, और अपने बिस्तर पे इतने दिनों बाद आया हूँ ना तो उसका आनंद लेता हूँ, सो गाइस बाय बाय गुड नाइट, मिलता हूँ आपको मैं अगले व्लॉग में।